हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे बूंदी वाला कढ़ी। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, एक कटोरी बेसन लिया है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बेसन का घोल ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने पैन रख दिया है, पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करने के बाद इसमें हम छन्नी लेंगे, इस तरह का छनौटा लेंगे और इसके ऊपर हम बेसन का घोल को डाल लेंगे। बेसन का घोल को हम छनौटा के ऊपर डाल देंगे, उसके बाद हम चारों तरफ छनौटा को तेल में फैलाते हुए चम्मच से चलाते हुए बूंदी को बना लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर बूंदी को पका लेंगे। तो ये देखिए बूंदी अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे तेल से बाहर। सभी बूंदी को बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक बड़े बर्तन में 3 बड़े चम्मच बेसन लेंगे, इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। इन सभी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका पतला घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पतला घोल तैयार कर लिया है बेसन का। यहाँ पर हम कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता। इन सभी को हम जलने देंगे। इन सभी को जलने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद बेसन का जो पतला घोल तैयार किए हैं उसको डाल देंगे। डालने के बाद हम खोलने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर कढ़ी को खोलने तक अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ी में हल्का उबाल आने लगा है, अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है, कलछी से चला लेंगे। कलछी से चलाने के बाद हम इसमें जो बूंदी बना के रखे हैं उसको डाल देंगे। बूंदी को डालने के बाद हम अच्छे से कढ़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो या मीडियम कर देंगे और कढ़ी को हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे बूंदी के साथ। यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर कढ़ी और बूंदी को अच्छे से पका लिया है। अच्छे से पकाने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। तो ये हमारा बूंदी वाला कढ़ी बनके तैयार हो गया है। गैस बंद करने के बाद हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से कढ़ी बना करके आप चावल के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा बूंदी वाला कढ़ी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।